हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। इतनी गर्मी में जब हम पढ़कर थककर वापस घर आते हैं ना, तो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहना और एक अच्छा स्टडी रूटीन फॉलो करना चैलेंजिंग बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी सा रूटीन और टिप शेयर करूंगी, जिसे आप फॉलो कर पाएंगे चाहे आप कितने ही टायर्ड क्यों ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्कूल से आते ही अपने आप को इंस्टेंटली रिफ्रेश करने के लिए ना, सबसे पहले तो आप ठंडे ठंडे पानी से शावर लेने के लिए चले जाइए। नहाने से ना आपकी बॉडी से स्वेट, डर्ट, थकान सब अच्छे से निकल जाएगी और आप एकदम से रिलैक्स और कूल महसूस करने लगेंगे। इसके बाद फ्रिज से ना आप ठंडा ठंडा पानी निकालिए या फिर बर्फ निकाल लीजिए और अपने फेस को ना उससे वॉश कर लीजिए। इससे जो भी बची कुची टायर्डनेस होगी ना, वो भी निकल जाएगी। आप अपनी बॉडी को अंदर से रिचार्ज करने के लिए ना, आप मॉर्निंग में ही अपनी मम्मा को कहकर जाइए कि आप हमारे लिए या तो नींबू पानी बनाकर रखना या फिर ग्लूकोन डी का पानी, और जैसे आप स्कूल से आए शाल ले लें तो आराम से बैठकर ये ठंडा ठंडा पानी पिए। ग्लूकोन डी में ना बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी को फुलफिल करता है। अब आपकी बॉडी टायर्ड महसूस कर रही है, इसका मतलब वो साइन दे रही है कि आपकी बॉडी को थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए। और जब तक आप रेस्ट नहीं देंगे ना, तब तक आप चाहे कितना ही खा ले पी ले, आपकी बॉडी उतनी एनर्जेटिक नहीं महसूस करेगी। भले ही आप ज्यादा लंबा रेस्ट ना लें, लेकिन 20 से 30 मिनट की पावर नैप जरूर लें। दिन की नींद में ना अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल उठने के बाद काम करने का मन नहीं करता है, आलस बना रहता है, तो आप तुरंत पढ़ने के लिए बिल्कुल मत बैठिए। अगर मौसम अच्छा हो गया है, शाम का समय हो गया है, तो आप बाहर जाकर वॉक कर लीजिए थोड़ी देर, या पार्क में चले जाइए, नंगे पैर ग्रास के ऊपर वॉक करिए। इससे ना आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। 20 से 30 मिनट की जब आप अच्छी खासी वॉक करके आएंगे, थोड़ी देर नेचर में बैठ कर आएंगे ना, और इसके बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो देखना आपका पढ़ाई में कितने अच्छे से मन लगेगा। अब हमें कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए ही बैठना है, और बीच में भूख लगेगी तो हम उठेंगे और डिस्ट्रैक्ट होंगे। इससे अच्छा है कि आप पढ़ने से पहले ही हेल्दी स्नैक ले लें, ताकि आपको बीच में भूख ना लगे। अब हेल्दी स्नैक इसलिए लेना है क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी को रीस्टोर करेगी और लंबे समय तक आपका पेट भी भरा रहेगा। तो यहाँ पर ना मैं सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम और पनीर को अच्छे से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब मैंने इसे हेल्दी बनाया, इसलिए नमक मिर्च थोड़ा कम ही रखा। फिर मैंने चपाती ली, इसमें आप म्यूनीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए मैंने टोमेटो केचप ऐड कर लिया, और देखो इजी और हेल्दी सा स्नैक रेडी है। अब आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, बार बार आपकी एनर्जी लो ना हो, फोकस बार बार हटे ना, इसके लिए ना आप जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए बीच बीच में, और पढ़ते हुए ना अपनी बॉटल को भी अपने पास ही रखिए, क्योंकि ज्यादा पानी पीना आपकी स्किन हेल्थ ही नहीं, आपकी माइंड के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और थोड़ा ही पढ़ने के बाद अगर आपके सर में दर्द हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेट हैं, तो अपने पानी पीने पर ज्यादा ध्यान दें। अब हमने खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, बस अब स्टडी करने बैठना ही है। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट ये सुन लो कि जिस भी रूम में या जिस भी जगह आप पढ़ने के लिए बैठे ना, वहाँ के सारे पर्दे वगैरह खोल लीजिए, जितनी भी लाइट्स वहाँ पे है ना सब ऑन कर लीजिए, और जितना हो सके उतने उजाले वाली जगह पर ही पढ़ने की कोशिश करिए। अब कितना अच्छा हो जाएगा ना अगर हम पढ़ने से पहले 5 मिनट निकाल कर एक टू डू लिस्ट बना ले, शायद हमारे 25 से 30 मिनट वेस्ट होने से बच जाएंगे। अब अपनी टू डू लिस्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, आप उनको ऊपर लिखिए, और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है उनको नीचे लिखिए, और लाइन वाइज उनको स्टडी करते जाइए और टिक करते जाइए। अब आप लोग जितनी देर चाहें उतनी देर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितने भी आपने टू डू लिस्ट में टास्क लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलो पढ़ते पढ़ते ना आपको एक क्विक सी स्टडी टिप देती हूँ। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे ना, तो अपने पास मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ रखिए, जैसे कि पीनट्स, मखाने। इसके अलावा ना आप च्युइंगम खाते हुए भी पढ़ सकते हैं, इससे आपका माइंड ना एंगेज रहेगा और आपको बिल्कुल भी पढ़ते हुए नींद या फिर टायर्डनेस नहीं महसूस होगी। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे ना, तब आप ऐसे टॉपिक को उठाइए जिसमें आपकी माइंड की ज्यादा एक्सरसाइज हो, फोकस की ज्यादा जरूरत हो। बोरिंग या फिर लिटरेचर या फिर लिखने वाले काम को ना इस टाइम पर अवॉइड ही करिए। डायरेक्ट बुक से पढ़ने से अच्छा है कि आप यूट्यूब में वीडियो निकाल कर पढ़ें, क्योंकि टीचर्स ना बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं डायग्राम का यूज करते हुए, जिससे समझ भी जल्दी से आता है और बोरियत भी नहीं होती है। जैसे आपकी पढ़ाई का सेशन कम्प्लीट हो जाए ना, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए या फिर 4 या 5 एक्सरसाइज करने के लिए आ जाइए। इसमें आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, इससे क्या होगा आपकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस हुई है ना, वो सब रिमूव हो जाएगी। आपकी आईज पर,
माइंड पर जो भी प्रेशर पड़ा है ना वो भी रिलैक्स हो जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होएगा। और इतना लंबे समय तक बैठने के बाद, काम करने के बाद जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग देते हैं ना, तो इतना ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है, आपको क्या ही बताओ। और ये वाला ट्रिक तो मेरी फेवरेट है, जिसमें ना मैं बेड में लेटकर अपने सर को इस तरीके से जमीन की तरफ लिटा देती हूँ। अब ये वाली ट्रिक अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो आप अपने काम को ना दुगनी स्पीड से कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी आपका फेवरेट काम है, जैसे कि आपको कोई नई सीरीज देखनी है, कोई शो देखना है, आपको कोई YouTube वीडियो देखनी है, तो उसको ना आप अपनी स्टडी के बाद के लिए रख लो कि जैसी मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं इस चीज को देखने जाऊंगी एज अ रिवॉर्ड। देखना आप कितनी जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। और काम कंप्लीट करने के बाद अगर आप इन चीजों को देखेंगे ना, तो आपको गिल्ट भी नहीं महसूस होगा, आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके पेरेंट्स भी आपको डांटेंगे नहीं। अब आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, अपनी मनपसंद चीज भी देख ली है, स्टिल आपके पास अगर थोड़ा समय बचा है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी मम्मा की, अपनी फैमिली की थोड़ी सी हेल्प कर लीजिए। और गर्मियों में ना वाटर बॉटल भरने से अच्छी हेल्प कोई नहीं हो सकती है। और ये सच है, जब मैं अकेली रह रही थी ना, पानी पीने वाली सिर्फ मैं थी, लेकिन फिर भी मेरी वाटर बॉटल इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी कि आधे से ज्यादा दिन में इसे भरने में ही रह जा रही थी। तो सोचो, आपकी तो पूरी फैमिली पानी पीने वाली है, तो आपकी मम्मा कितनी बार इनको भरती होगी। अब हम वापस से अपने काम पर लग जाएंगे। जो भी नोटबुक वगैरह आपने निकाली है, आप टाइम टेबल के हिसाब से अपने बैग में वापस से डाल लीजिए। और कल के लिए अपनी यूनिफॉर्म को भी रेडी रख लीजिए, ताकि मॉर्निंग में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना देखनी पड़े। और एक इंटेलिजेंट, ऑबिडेंट, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनने की शुरुआत ना इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से ही होती है। अब अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। लेकिन ना आप लाइफ को उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लाइफ में कुछ नया लर्न नहीं कर पाएंगे, और कुछ टाइम बाद ना आप ये पढ़ाई करते करते बोर भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने और अदर एक्टिविटीज को टाइम नहीं दिया है। पूरे दिन के अपने टाइम को ना इस तरीके से मैनेज करिए कि आप अपनी अदर करिकुलर एक्टिविटीज को भी टाइम दे सके। उसमें आप अपनी हॉबीज को करिए, जैसे कि आपको अगर पेंटिंग करना पसंद है, डांसिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, निटिंग करना पसंद है, तो आप उन सारी एक्टिविटीज को बेफिक्र कर सके। और जब आप डेली ऐसे कामों को करते हैं ना जो आपको सच में खुशी देते हैं, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली फुलफिलिंग हो जाती है। तो अभी ना जस्ट मैं पूजा कर आ रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने ना ये वाला कुर्ता पहना है आधी वीडियो में, आधी में ये पहना है कि ना, तो माता रानी की चुनरी निकल रही थी, तो मैं उसे ठीक कर रही थी, और कैसे मेरे सूट ने एकदम से दिए से आग पकड़ ली, मुझे पता ही नहीं चला। वो तो वहां पर मम्मी थी माता रानी की कृपा से, तो मेरे को लगी नहीं। लेकिन वही ना, आप भी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ना मतलब बड़ी बड़ी चीजें, दुर्घटना हो जाती है। तो जरा से दिए से मेरा पूरा सूट भी खराब हो गया, पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मुझे नहीं लगी, वो बेस्ट था। तो बस यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय।